नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। करते हैं शुरुआत बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको खबर बताते चले, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। यूपी के 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। जो वोटिंग प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से जारी है। अमरोहा में 9 बजे तक 14.88% मतदान हुआ। अलीगढ़ में यही आंकड़ा 9 बजे तक 12.20% है। मेरठ में 9 बजे तक 12.66% मतदान हुआ। तो बागपत में 9 बजे तक 11% मतदान हो पाया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 9 बजे तक का जो मतदान फीसद का आंकड़ा है वो 11.57 रहा है। तो कहां कितने फीसद वोटिंग हुई है, गाजियाबाद में भी जान लीजिए, 9 बजे तक 10.67% मतदान। तो जबकि मथुरा में यही आंकड़ा 9 बजे तक 10.09% मतदान का आंकड़ा रहा है। बुलंदशहर में भी आपको बताएं, जहां सुबह 9 बजे तक 11.99% तक मतदान हुआ है। तो देखिए कहां कितना फीसद मतदान हुआ है, किसका कहां आंकड़ा आया है, वो हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है जो हमने आपको बताया। गौतम बुद्ध नगर में, मथुरा में, बागपत में, मेरठ में कितना फीसद मतदान यहाँ पर हुआ है। Come and cast your vote. That is the message. You're confident of BJP's win, sir, this time as well? BJP is going to win all over the country. Where is the doubt? 400 पार का जो नारा है, that will be successful. लक्ष्य दिया हुआ है मोदी जी ने. I'm sure that लक्ष्य will be completed. Don't you think the community is angry because you're not being fielded as a candidate from here? I'm not contesting. There's a difference between fielded and not contesting. सर, स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दे जो नाराजगी है, अब जो लोग हैं वो देखेंगे कि किस चीज की नाराजगी। लेकिन सर, अब हम आगे आपकी क्या भूमिका देखेंगे यहाँ, अगर इस बार टिकट ना देना, क्या आगे let me have time to think of my भूमिका। और ऐसे में गाजियाबाद से एक लंबे अरसे तक प्रभावशाली नेता के तौर पर उनकी छवि रही, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। तो देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ करवा देती हूँ। अमरोहा से भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा सबसे पहले मैं अमरोहा का ही रुख करना चाहूंगी। अमरोहा में फिलहाल किस तरह की परिस्थिति है, क्या माहौल आप देख रहे हैं, और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उत्सुक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अमरोहा में 9 बजे तक 14.88% मतदान हुआ है, यानी कि जो 8 सीटों में उत्तर प्रदेश की जहां मतदान हो रहा है, इसमें अमरोहा पहले नंबर पे है। और जो मत प्रतिशत है, वो उसकी जो संख्या है वो अमरोहा में ज्यादा है, क्योंकि 2019 में भी हमने देखा जो अमरोहा मंडल की 5 सीटें थी उसमें भी अमरोहा ने 71% जो है पर मतदान वोटिंग परसेंट हुई थी। तो साफ तौर से जो मतदाता है उनके भीतर काफी उत्साह दिखाई दे रहा। मेरे आप अगर पीछे देखेंगे तो लगभग सुबह 11 बजे का समय हो चुका, 10:30 बज चुके हैं, तो अभी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर जो लोगों की भीड़ है वो आपको लंबी कतार है वो लगी हुई दिख जाएगी। हालांकि धूप भी हो रही है, मगर उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो साफ तौर से इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरोहा के लोगों में मतदान के प्रति कितनी जागरूकता और कितनी उत्सुकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर व्यवस्था किस प्रकार की आप देख रहे हैं, क्योंकि लिहाजा चुनाव आयोग ने तो कई तरह के प्रयास और कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, अमरोहा में प्रशासन के द्वारा जो तमाम जरूरी इंतजाम हैं वो किए गए हैं। जितने मतदान केंद्र हैं सभी पर सीसीटीवी के द्वारा निगरानी की जा रही है। अमरोहा में बकायदे से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से अधिकारी पल पल की जो अपडेट है उसको ले रहे हैं। जैसे बूथ पे शिकायत आ रही है कि ईवीएम खराब है या अन्य जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको जल्द से जल्द जो दूर कर, ये आप पार्टी से पूछिए। सर, आपका जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ आपने खुद ही अच्छा जाहिर किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, आप सेकंड टाइम दिखाई दे रहे हैं, पहली बार मोदी जी के रोड शो में और दूसरी बार आज वोट कास्ट करने, बीच में नहीं, 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 नहीं। देखिए ऐसा है कि बीच के अंदर मैं तमिलनाडु में था, उसके बाद केरला में था, उसके बाद आंध्रा में था, और कल पलामू से वापस आया हूँ।
तो पार्टी जो है अलग अलग जगह पर भेजती रहती है, क्योंकि कई जगह पर काम पड़ता लोगों का। अब आगे क्या राजनीतिक मंत्री जी, राजनीतिक भूमिका देखेंगे। सर अच्छा सर, पूरे देश में आप घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? नहीं, माहौल अच्छा है, और खासकर दक्षिण भारत के अंदर हमें पहले से ज्यादा सफलता मिली। सर, आपके टिकट खरीदने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपके नाम को जोड़ा गया, और ये कहा गया कि जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, तो कहीं ना कहीं जो पहली बार मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट का प्रतिशत गिरा है, तो ये भी एक वजह बताई जा रही है। ये मैं क्या कह सकता हूँ, तो आप विश्लेषक हैं, आप करिए विश्लेषण। एक सवाल कि क्या वीके सिंह अभी भी राजनीतिक पाली खेलेंगे या फिर किसी संवैधानिक पद पर दिखाई देंगे? 4 जून के बाद बताऊंगा। तो जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर और अपने पद को लेकर और अपनी जिम्मेदारी को लेकर, हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं है। मेरे सहयोगी गाजियाबाद से भी जुड़े हुए अनिल चौधरी, मैं अनिल आपका रुख करूं और उसके बाद मैं मनोज मिश्रा जी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अनिल का मैं रुख करना चाहूंगी। अनिल, गाजियाबाद में जहां पर आप मौजूद है, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कितने उत्सुकता है, कितनी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है? देखिए, सिलर में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जनरल वीके सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं अपना वोट डालने के बाद, मीडिया कर्मियों से बात भी कर रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि किस तरीके की व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था जो है कड़ी की गई है। वही जो वोटर्स हैं लगातार वोट डालकर जो है यहाँ से बाहर भी निकल रहे हैं। तमाम इंतजाम की अगर बात करें वोटिंग के लिए, ये एक सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया गया है, जो वोटर्स हैं वो वोट डालकर आ रहे हैं। तो सर, आपने वोट डाल लिया? दिखाएंगे सर, एक मिनट, वोट दिखाएंगे आपने, कैमरामैन से हम दिखाए भी। और सर, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार वोट आपने डाल दिया? देखिए, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मतदाता है वो नेशनल लेवल के मुद्दों पर वोट डाले, बजाय कि स्टेट लेवल और लोकल लेवल के मुद्दों पर। तो सर, केंद्र में कौन सी सरकार आनी चाहिए, जिस बेसिस पे वोट डालना चाहिए? क्या इस बार, जैसे कि 2 बार से वीके सिंह यहाँ रहे, इस बार अतुल जी को दिया यहाँ से मौका, तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मेरी वोट तो पार्टी को गई है। अच्छा, कैंडिडेट को नहीं। तो देश हित में आपने वोट डाला, और भी है मैम, आपसे भी जान लेते हैं, आपने वोट डाल लिया, दिखाए जरा ये कैमरा में, दिखा भी दे, और क्या मुद्दा इस बार रहा? मुद्दा हमेशा एक ही रहता है, भारत के विकास का, और हर कंस्टिट्यूएंसी के लोग अपने एरिया में असेस करें अगर वो संतुष्ट है जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है पिछले 5 सालों में। बिल्कुल अनिल, और यहाँ पर देखिए महिलाओं के मुद्दे अलग हैं, और निश्चित तौर पर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पर केंद्र के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसको देखते हुए भी हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा, अरुण आप भी बने रहिएगा, और अनिल आप भी बने रहिएगा। मैं मनोज मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगी। मनोज मिश्रा जी, अब से पहले जब हम जनरल वीके सिंह को सुन रहे थे, जो कि पूर्व सांसद भी है गाजियाबाद से, इस बार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को लेकर हालांकि मोटे तौर पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन जब उनके टिकट कटने पर अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, या फिर डॉली शर्मा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2019 में हार का सामना डॉली शर्मा ने किया, उसके बाद फिर से कांग्रेस ने उन्हीं पर दांव खेल दिया है, तो यहाँ पर किस प्रकार की लड़ाई है? क्योंकि खासा प्रभाव तो जनरल वीके सिंह का था ही, यहाँ पर बड़े अंतर के साथ, इससे पहले वो 12 लाख से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आए थे, इस बार एक बड़ी चुनौती है अतुल गर्ग के सामने। नहीं, दरअसल निशा जी, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में। हाँ। ये बड़े से बड़े पद से अगर किन्हीं कारणों से आप हटा दीजिए, उनको प्रत्याशी मत बनाइए, तो वो बगावत करके पार्टी का नुकसान नहीं करते। जबकि दूसरी पार्टी में आपने देखा होगा, इस बार के 2024 के सीटों के चयन लोग जिक्र भी कर रहे थे कि कई बार सपा को अपने कैंडिडेट बदलने पड़े, तो वीके सिंह की नाराजगी अगर रही भी होगी तो संगठन ने, पार्टी ने, नेतृत्व ने उनके साथ सामंजस्य बैठाया और दोबारा वो उसी तरीके से लग गए। तो यहाँ पार्टी कोई बहुत महत्व नहीं रखती कि कोई प्रत्याशी महत्व रखे, महत्व रखती पार्टी, पार्टी की विजन और उसका होने वाला लक्ष्य खासकर। लेकिन चूंकि गाजियाबाद में, हम पहले भी कह रहे थे कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये NCR का एक पार्ट है,
बड़ा शहर है, ज्यादा मतदाता शहर से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चाहे वो एमएलए में हो चाहे एमपी में हो लगातार यहाँ जीत बनाए रखती है। रही बात जनरल बीके सिंह, क्योंकि लगातार दो बार सांसद थे और उन ये पार्टी का निर्णय कि उन्होंने इस बार उनको हटा करके वहां पर किसी दूसरे को चयन किया, लेकिन शुरू के एक हफ्ते हम कह सकते हैं कि इनके समर्थकों में नाराजगी नेताओं में नहीं होती, समर्थकों में होती है, लेकिन बाद में फिर वो ब्लॉक स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर, उसके ऊपर की जो कमेटियां हैं, शक्ति दल वगैरह, उनका एक वैचारिक सामंजस्य बैठा करके सब अपने प्रत्याशियों को जिताने में लग जाते हैं। तो हम लोग अनुमान पर ही चर्चा कर सकते हैं पुराने परिणाम को देखते हुए, तो बहुत संकट इसमें। अच्छा मनोज, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे इस बार ज्यादा प्रभावशाली रह रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि लगातार आप तक भी रिपोर्ट्स और इनपुट्स तो पहुंच ही रहे होंगे, आप क्योंकि प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं, बीजेपी अकेले दम पर 370 पार करेगी वो ये लगातार दोहरा रहे हैं, और बीते कुछ सभाओं में उन्होंने लगातार राम मंदिर का भी जिक्र किया है, साथ ही साथ अब वो विरासत टैक्स पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से पहले लगातार जब वो बात कर रहे थे तो जिक्र कर रहे थे, एक तरफ आई इंडिया ये गठबंधन जिसने भ्रष्टाचार और महंगाई और रोजगार को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, तो क्या ये मुद्दे वाकई में धरातल पर काम करते हुए नजर आएंगे, क्या वाकई में इनका इम्पैक्ट लोगों तक पहुंच रहा है? नहीं, दो चीजें, आपके संकल्प पत्र, घोषणा पत्र और पार्टी के विजन, हाँ। जो उनके घोषणा पत्र में दिखता है वो अंततः जब चुनाव या वोटिंग का समय आता है तो फिर वही मुद्दे चले जाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिससे ध्रुवीकरण से लाभ हो सके। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी मैं कहूंगा कि वो अपना संकल्प पत्र से पहले वो श्वेत पत्र जारी करते रहे, वो मुद्दों पर चर्चा करते रहे, अचीवमेंट की बात करते, जैसे राम मंदिर की बात कर लें, धारा 370 की बात कर लें, या बहुत सारी चीजों पर, लेकिन जब बिल्कुल धीरे धीरे समय आता जाएगा, आप अगर रोजगार देखें, तो आप अगर स्मार्ट सिटी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, अमूल चूल परिवर्तन तो विगत 10 वर्षों में आया है, हमने आपने सब लोगों ने देखा है, बेसिक चेंजेज आ रहे हैं, गड्ढे से समतल और समतल से फिर हाईवे बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन गड्ढे से चीजों को उबार करके, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती थी, शायद इसी आस और विश्वास के साथ 2022 में सरकार पूर्ण बहुमत की दोबारा रिक्रूटमेंट हुई योगी के नेतृत्व में, क्योंकि पहली बार आदमी भरोसा करता है, उम्मीद करता है, और दूसरी बार उस पर भरोसा करता है, और रही बात जिसके जिस चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं केंद्र की, देखिए तीसरी बार हैट्रिक को लेकर के और टारगेट 272 की जीत का नहीं है, टारगेट है 400 पार का, तो जब आप 400 पार की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने विगत 10 वर्षों में जो अपने कमिटमेंट, अपनी पार्टी, अपने संगठन और देश की जनता, क्योंकि बहुत सारे बड़े डिसीजन हुए, चाहे वो अच्छा मनोज जी, ये तो मुद्दों की बात हुई या फिर जनता के लिहाज से क्या मुद्दे अहम है, जब हम सीटों की या फिर कुछ नए कैंडिडेट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया कि मेरठ से अरुण गोविल, उनका राजनीतिक सफर अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी चुनौती, और जिसके लिए लगातार पूरा पूरी ताकत झोंकते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी भी नजर आए हैं चुनाव प्रचार करते हुए, तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? एक तरफ हम देख रहे हैं कि अरुण गोविल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो राजनीति में लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या फिर राजनीति से बिलोंग करते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, उनके सामने वो प्रतिद्वंदी के तौर पर है। देखिए एक बात बताऊं आपको, आप ये यही हालात आज से 10 वर्ष पहले हेमा मालिनी को झेलने पड़े थे जब वहां पर वो नया नया आई थी, तो लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अरुण गोविल के चेहरे को सभी पहचानते हैं और कहीं ना कहीं रामायण में राम की भूमिका उनको तरफ देखते, ये तो रहेगी उनकी पहचान। जो आप तो मुझे लगता है वोटिंग अब इस पैटर्न पर होने लगी है, विपक्ष के सामने अगर प्रदेश में बात कर ले तो अखिलेश का चेहरा है, देश में राहुल का चेहरा लोग मानते हैं। अच्छा मनोज जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, जरा एक रिपोर्ट भी हम दिखवा देते हैं। अलीगढ़ से मेरे सहयोगी प्रदीप ने दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह से खास बातचीत की है, उन्होंने इस दौरान क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। अलीगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जारी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सपा प्रत्याशी चौधरी विजय सिंह। सर, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चुनाव महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह चुनाव जीतेगा अलीगढ़ में, जनता जिताएगी, जन आंदोलन है, चुनाव थोड़ी है। आप सुबह से घूम रहे, लगातार देख रहे हैं, तो किस तरीके के परसेंटेज चल रही है, मतदान किस तरीके से चल रहा है? देखिए मतदान तो शुरू होता है, सुबह नहाना धोना, पूजा करना, नाश्ता करना, निकलते हैं लोग, अब आना शुरू हो गया, मतदान शुरू हो गया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बार 400 पार, लेकिन यूपी में क्या स्थिति है आप बेहतर बता पाएंगे सर? वो गलती कर सकते हैं,
उन्हें कहते नहीं भाजपा 700 पार, क्योंकि आगे बढ़ानी भी तो है 200, तो आज ही पार कर देंगे। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ भी कह सकता है उसके बारे में कोई क्या कहेगा। कहीं ना कहीं बीएसपी ने जिस तरीके से हितेंद्र उपाध्याय को टिकट दिए तो उसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये उनका काम है, उनकी पार्टी का किसको टिकट देगी, जनता को देखना है फायदा नुकसान। जब जन आंदोलन है तो किसको फायदा किसका नुकसान। सतीश को हराना, वीरेंद्र सिंह को जिताना जनता का निर्णय, झूठे वायदे मिटाने। नमस्ते। बिल्कुल पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, उनसे बातचीत की थी हमारे सहयोगी प्रदीप ने और कई बातों का वो जिक्र करते हुए नजर आए। मैं एक बार फिर से मनोज जी आपका रुख करना चाहूंगी। मनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं सीटों पर भी आऊंगी। मेरा आपका आपके सवाल पर ही मेरा जवाब था कि जब चुनाव होता है तो अंततः शीर्ष नेतृत्व पर प्रदेश में योगी और देश में मोदी इस पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और देश में राहुल गांधी चेहरा और वोटिंग लगभग लगभग क्योंकि प्रत्याशियों पे को देख करके अब वोटिंग का पैटर्न बदल गया है। 2014 से लोग प्रत्याशियों पर बहुत कम चर्चा करते हैं, बात करते हैं पार्टी के विजन पे और उसके घोपड़ा पत्र पर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कितना कन्विक्शन में उसकी कितनी पावर है और क्या कर सकता है। तो चुनाव मोदी वर्सेस आल पे है क्योंकि सरकार मोदी की है और यही विपक्ष में लेके चलता है कि मोदी को हराना है। जैसे अभी आप देखिए बड़ी जल्दी में प्रत्याशी से बड़ी कम बातें करके गए लेकिन वो भी वही बात कर रहे थे कमोश जो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे। जी अच्छा मनोज जी, क्योंकि एक तरफ आपने बताया और हम सब ये मानते भी है कि कहीं ना कहीं आरएलडी के आने से बीजेपी को मजबूती भी मिली है। एक तरफ बसपा है, मायावती अकेले के दम पर चुनाव लड़ रही है, कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे भी चुनावी समीकरण जो बनते बिगड़ते और बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। मनोज जी आप बने रहिएगा, मैं जरा अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। अनिल मेरे सहयोगी लगातार यहाँ से बने हुए हैं। अनिल जहाँ पर आप मौजूद है, दरअसल लोगों से आप बात कर रहे थे, उनके मुद्दे आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मुद्दे हैं इस बार उनके, महिलाओं से बात कीजिए, युवा वोटर से आप बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस वक्त मैं सिलर में मौजूद हूँ और वीके सिंह ने भी यहाँ वोट डाला और मैंने भी उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये पार्टी के निर्णय होते हैं कई बार कि वो चेंजेस करते हैं, तो इस बार अतुल गर्ग पर जो है विश्वास जो है बीजेपी ने जताया है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके की तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बूथ के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, जो लोग हैं काफी वोट डाल कर आ रहे हैं। आंटी वोट डाल दिया आपने, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का, क्या मुद्दे पे वोट डाला आपने? विकास के मुद्दे पे वोट डाला। विकास के मुद्दे पे वोट डाला आपने, देखिए आपने सुन लिया, विकास के मुद्दे पर ज्यादातर लोग जो है डेवलपमेंट और देश के मुद्दे हैं उन पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। मैम यहाँ पहुंची हुई है, मैम वोट डाल दिया आपने, मुद्दा क्या रहेगा मैम इस बार आपने, क्या किस मुद्दे पे वोट? विकासशील देश विकसित देशों की दौड़ में शामिल हो गया है तो इस दौड़ में बिल्कुल रुकना नहीं है और दौड़कर पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनना है, उस दौड़ में हमारा वोट आज पड़ा है। मुद्दा हमारा पूरी तरह से विकास है क्योंकि मुझे लगता है कि 10 सालों में जितना देश में विकास हुआ, चाहे वो सड़क हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे आप जनधन की बात करो, दुनिया भर का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हर तबके के लोगों के लिए, तो हमारा बहुत विकास हो गया है। आप महिला है मैम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है मंगलसूत्र भी खतरे में है, इस तरीके की उन्होंने बात की, उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान में मंगलसूत्र संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, ये मतलब समझिए हिंदुस्तानी महिलाओं को सुहाग का विषय है, तो इस पर बहुत सेंसिटिव तरह से चीजें रखी जाए। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई भी भारत की हिंदुस्तान की किसी भी नारी से उसके मंगलसूत्र के बारे में बात नहीं कर सकता, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की औरतें देंगी, हिंदुस्तान की औरतों का मंगलसूत्र पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की छत्रछाया में सुरक्षित है। देखिए आपने सुन लिया, जो तमाम महिला हैं जो वोट डालकर यहाँ से निकल रही हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वोट हम वहां देंगे जो देश की प्रगति पर ध्यान देगा, देश हित की बात करेगा, देश को लेकर इस बार जो है राष्ट्र मुद्दों को लेकर जो है लोग ज्यादातर जो वोट डाल रहे हैं। जी ठीक है अनिल, आप बने रहिएगा, मैं मनोज जी का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। मनोज जी, गौतम बुद्ध नगर की सीट का मैं जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ से तीनों ही कैंडिडेट जो हैं, आप चाहे समाजवादी पार्टी के बात कर ले महेंद्र नगर की, या फिर हम महेश शर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से सांसदी का, और यहाँ पर बसपा की तरफ से चूंकि राजेंद्र सोलंकी, तो तीनों ही कैंडिडेट जो है वो अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग जातियों के, तो जातिगत समीकरण के लिहाज से भी काफी दिलचस्प और रोचक यहाँ पर मुकाबला होना चाहिए।
नहीं देखिए, गौतम बुद्ध नगर जिस सीट की आप चर्चा कर रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा स्तर पर देख ले या लोकसभा स्तर पर देख ले तो हमेशा से मजबूत रही। और रही बात कैंडिडेटों पर, समीकरण बदलते हैं और इस बार बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि आपका सवाल एक और भी था कि मायावती के सक्रिय होने से क्या बदलाव हो सकते हैं। देखिए बड़ी ग्रास रूट की बात, अगर उत्तर प्रदेश में निषाद और राजभर को इतना वजन दिया जा सकता है तो मायावती 2012 में जब सत्ता से बाहर गई तो धीरे धीरे उनकी पार्टी पतन की या समाप्ति की ओर चलती चली गई। तो इस बार जिस सक्रियता से, कारण यह है कि आकाश आनंद को उनको आज नहीं कल अपनी पार्टी का नेतृत्व सौंपना है और नंबर दो पर वो चल भी रहे हैं, तो मुझे भी लगता है विगत पहले चरण के 8 सीटों पर, आज होने वाले सीटों पर मायावती कुछ तो असर रखती है, क्योंकि अखिलेश के गठबंधन के साथ में अखिलेश तो नहीं कुछ तो बहुत बेहतर कर पाए, 2 सीटों 3 सीटों ज्यादा, लेकिन मायावती 0-10 गई थी लोकसभा सांसद में। और इसी में जिसमें 8 चुनाव में हो रहा, आप देखिए बागपत सीट या अमरोहा की सीट, बागपत इस बार आरएलडी लड़ा एनडीए गठबंधन में, लेकिन अमरोहा की सीट पर दानिश अली वो बसपा से चुनाव जीते हुए थे। तो और भारतीय जनता पार्टी विगत मंडल कमंडल के बाद जब पूरी तरह नेतृत्व में देश में और प्रदेश में आई है, पूर्ण बहुमत में आई, उसके पीछे ओबीसी और एससी वोटरों का इनकी तरफ जाना भी बहुत बड़ा कारण था। इंतजार करना होगा इस बात का कि जब काउंटिंग होगी तो ये रिजल्ट या ये अनुमान कहाँ लेके जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इन सीटों पर हम इसीलिए बात करनी ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पर चलिए बीजेपी ने तो अपने सारे कैंडिडेट्स उतारे ही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं गठबंधन की तो 4 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 4 सीट पर समाजवादी पार्टी के हैं। इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, क्या ये गठबंधन कुछ परिवर्तन या फिर किसी बदलाव की दिशा में कुछ फैक्टर यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, क्या कोई बदलाव हो सकता है, क्या कहीं से जो चुनावी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में दो एक अहम गठबंधन हुए थे, पहले भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिलकर लड़के चुनाव लड़े, फिर मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े। और अगर 14 से पहले इस पर विचार करें तो कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि मायावती और अखिलेश या मुलायम सिंह चुनाव लड़ेंगे तो सामने वाली पार्टी सर्वाइव करेगी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 17 में सरकार बनाती है और 19 में 80 में 64 सीटें जीत के ले जाती है। तो ये जो इस बार के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में या देश में ये बड़ी अहम चीजें हैं, मायावती का सक्रिय होकर चुनाव लड़ना और इंडिया गठबंधन से मायावती के बाहर होना, और जिन 4 सीटों की आप बात कर रही हैं, 4 अखिलेश लड़ रहे हैं, 4 कांग्रेस लड़ रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति में मैं खुलकर कह सकता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जाट और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण लेकिन सीटों पे कहां कहां प्रभावी है, मुझे लगता है उसका असर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए 8 सीटें जहां तक कि हमने देखा भी था कि किस तरीके से पिछले चुनाव में अमरोहा को छोड़ दिया जाए तो एक अच्छा खासा प्रभाव और एक बड़े अंतर के साथ यहां से जो कैंडिडेट्स थे वो जीते थे जिनको वापस से अब रिपीट किया गया है। हालांकि बड़ी चुनौती है, एक तरफ INDIA गठबंधन है, दूसरी तरफ जो रिपीटेड प्रत्याशी हैं उनके आगे भी अपने वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती है, नए के आगे अपने आप को सबूत अपने आप को सक्षम दर्शाने की एक बड़ी चुनौती है और साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। मनोज जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ चर्चा की, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए फिलहाल